आज जो आप लोग ये भैंस देख रहे हैं ये भैंस काफी खास भैंस है, ये हाथी भैंस है, हाथी से तुलना किया जाए तो कम नहीं है, है ना। ये काफी भारी भरकम भैंस है। इस भैंस से संबंधित हम लोग जानकारी लेंगे। इस तरह की भैंस आप लोग को हरियाणा और पंजाब में ही देखने को मिलेगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा आगे बढ़ाइए, हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल लेंगे इस भैंस से संबंधित, ये भैंस कहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिनके पास भैंस है, ये इनका नाम हम लोग जानेंगे। अपना शुभ नाम बताइए जी। संजय गिरी। संजय गिरी है, ग्राम पोर्टियावल, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश जी। गांव है जेवर। जेवर गांव है, और जेवर गांव में ये भारी भरकम भैंस देखने को मिल रही है। हाथी जैसी भैंस है, काफी बड़ी कदकाठी की, बिल्कुल गहरी काली रंग में ये भैंस है। ये गाभिन भैंस है और ये बिक्री के लिए है, है ना। लोगों की इच्छा होती है कि वो भैंस अगर खरीदेंगे तो किसी किसान के खूंटे से भैंस खरीदेंगे। उन्हें विश्वास होता है कि अगर हम खूंटे से भैंस खरीदेंगे, किसान के दरवाजे से भैंस खरीदेंगे, तो भैंस हमें बहुत बढ़िया मिलेगी। मेला मंडी से लोग परहेज करते हैं। तो बाबा, इस भैंस से संबंधित आप जानकारी दीजिए। इसको मैं पंजाब से लाया था, तीसरी बार बच्चा दीजिए जी। 20 प्लस दूध देती है भैया। 20 प्लस दूध, 20 प्लस दूध देती है। जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाबा जो है खोवा के कारोबारी व्यक्ति हैं, चूल्हा इनके यहाँ जलता है, खोवा के ही कारोबारी हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि इनके यहाँ जो भी भैंस होगी तो कहीं ना कहीं मिल्क में ज्यादा होगी, दूध में ज्यादा होगी, तभी ये भैंस रखेंगे। इनका कहना होता है कि हम 10 भैंस के बदले हम 4 ही रखें, 2 ही रखें, लेकिन दूध में आगे रहे ना बाबा। हाँ, 10 छोड़ के क्या फायदा है, 2 रखिए उसमें 5-7 का मुकाबला कर लेगी। बिल्कुल। तभी कितना समय ले जाएगी बच्चा देने में? 20-22 तारीख को बच्चा दे देगी। यानी हमें लग रहा है कि 8 रोज के बाद। हाँ, 8-10 दिन में बच्चा दे देगी भैया। 8-10 दिन के बाद ही ये भैंस बच्चा देगी जी। जो ये चौड़ाई है काफी चौड़ा है, हमें लग रहा है कि ये करीब, आप कैमरा थोड़ा संभालिए ताकि हम लोगों को भली भांति यहाँ से समझाएं और दिखाएं। आवा। तो बाबा ये कौन से बयान में हो जाएगी? तीसरे बयान में हो जाएगी भैया। तीसरे बयान में हो जाएगी जी जी। लोग इस तरह की भैंस को खरीदने के लिए कहाँ से कहाँ तक नहीं चले जाते जी भैया। लोग हरियाणा की तरफ रुख करते हैं, लेकिन मैं जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हरियाणा और पंजाब आपके उत्तर प्रदेश में ही है। बहुत सीधी भैया, एकदम कोई बच्चा छोड़े, कोई करे, कोई मतलब ये नहीं है जी। आप लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भली भांति खोजेंगे तो आपके यूपी बिहार में ही मिल जाएंगी ये सब भैंसें। देखिए आप लोग के सामने है ही है ना, ये तो नहीं कि नहीं है, ये गाजीपुर की धरती पे है ये भैंस। एक से बढ़ के एक भैंसें हैं, बस जरूरत है आप लोगों को खोजने की। जो शौकिया किसान है, जो शौकिया लोग हैं, वो अपने पास इस तरह की भैंस रखे हुए हैं। मैं बिल्कुल रियल ये बातें बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो भैंस है, हमें नहीं मालूम है कि वीडियो में क्या दिखाई दे रही होगी, घूम के दिखाइए। जब आप लोग यहाँ पे नज़दीक पहुँचेंगे तब आप लोग इसकी बारीकी को समझेंगे कि भैंस किस तरह की है। 20 प्लस दूध रहा है जी 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 जी। थोड़ा नीचे से दिखाइए, नीचे से इसके थन को दिखाइए भली भांति, ताकि लोग इसको देख के भली भांति समझें। बाबा, इसका जो पिछला बच्चा रहा है वो क्या? पड़िया है भैया। पड़िया है जी। देखिए ये पड़िया है, कितने दिन की हो गई? ओ, मान लीजिए कि 11 महीना 8-9 दिन हुआ आज। 11 महीने 8-9 दिन। हमारे सहयोगी वहां पे पहुंचे हैं और उसको भली भांति देख रहे हैं। तो इस बार इसको बेचेंगे ना? जी 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 भैया। लगभग एक अमाउंट बताइए कितना मांगने को? तो बहुत मांगना, 360,000 रुपया। मतलब कहते हैं इसमें भाई जिसकी जैसी जी भाई इच्छाएं हो जी। बिल्कुल सही बात है। कहने से तो मतलब पैसा मिलेगा नहीं। बाबा का कहना है कि 360,000 रुपए है ना जी। ये जो कीमत ये बता रहे हैं, बहुत से लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक लेकिन लग रहा है ये कि अगर इस तरह की भैंस लेने के लिए आप लोग अगर हरियाणा में जाएंगे तो आप लोग को इस तरह की भैंसों का कीमत करीब 5 लाख से कम नहीं बताएंगे। ये रियलिटी है ना, ये सत्य बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए हमारा अपना जो समाज है, इसमें वो नहीं है कि आप 6 लाख की भी भैंस ले आ देंगे,
अगर उसको सोचेंगे कि हम 4 लाख में बेचेंगे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग जो शौकिया लोग होंगे वो इस भैंस को देखे होंगे तो जान गए होंगे कि भैंस किस तरह की है। राजा एकदम कहीं छोड़ दीजिए एकदम जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भैंस है। बाबा का कहना है कि 3,60,000 रुपए जी जी, उसमें कुछ कम करेंगे? मौके पे हो जाएगा, मौके पे हो जाएगा। हाँ हाँ, मौके पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। बहुत सुंदर, मान सम्मान करना भी जरूरी पड़ना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई आया, जिस किसी व्यक्ति को ये भैंस पसंद आ रही होगी तो वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच करके इनसे संपर्क करके देख सकते हैं। हाँ, एक मोबाइल नंबर बोल दीजिए जरा। मोबाइल नंबर 8935-08-04-04-30-12-30-12। हाँ, संजय गिरी, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बाबा का हम काफी सम्मान करते हैं, काफी समय से हमारे संपर्क में रहे हैं और ये जब हमसे पहली बार मिले थे तो हमको ये बताए थे कि हमारे यहाँ जो भैंस है इस तरह की भैंस का मिलना मुश्किल है। तो ये रियल बात है, मैं इनके यहाँ एक बार और आकर के वीडियो शूट कर लिया था जिसमें मैं दिखाया था। बाबा एक बार और कष्ट कीजिए थोड़ा सा भैंस को लाने के लिए। आवा, आवा, आवा। ये सब भैंसें ऐसी हैं कि ये मेला मंडी में बिकने वाली ना, नहीं मेला में सब नहीं जाती हैं। ये शौकिया लोगों की भैंस होती है और शौक वाला लोग ही इस तरह की भैंस को लेगा। हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि इस तरह की भैंस को रख पाए, क्योंकि इसका चारा पानी जो मेंटेनेंस है थोड़ा ऊंचाई है, तो कहीं ना कहीं जिसकी सामर्थ्य और शक्ति होगा वही लोग इस तरह की भैंस को रख पाएंगे। ऊंचाई में कम नहीं है, ऊंची भी है और लंबी भी है। इसका यहाँ से लंबाई देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इतना है। बाबा काफी लंबे समय से हमारे माध्यम से भी भैंस खोजते हैं कि कहीं पे भैंस मिल जाए, लेकिन जिस तरह से ये भैंस रखे रहते हैं इसके टक्कर में भैंसें नहीं मिल पाती है ना। इनका विचार है कि हम दूसरी भैंस और रखेंगे, 2 भैंस रखने का प्लान बना रहे हैं। बानी भी मैं बहुत बढ़िया, बांध दीजिए। किसी भी व्यक्ति को ये भैंस चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। है, 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 है। आराम से आराम से आराम से आरा, कोई खास इसका जगह नहीं है, इसी साधारण से जगह में इस भैंस को रखा जाता है। अभी इसमें करीब 8 रोज का समय बताया जा रहा है बच्चा देने में। काफी अच्छी भैंस है। बाबा जरा संपर्क सूत्र एक बार और बता दीजिए पूरा पता के साथ। 89-35-08-04-30-12-30-12। हाँ, संजय गिरी, ग्राम पोर्ट जमल, जिला गाजीपुर जी, उत्तर प्रदेश। तो बाबा से संपर्क करके आप लोग इस जगह पर पहुंच सकते हैं। ये एक अच्छी भैंस है, शौकिया व्यक्ति इस तरह के भैंस को रख पाएगा। लगभग खाने पीने में इसका क्या खर्चा आ जाता है बाबा एक दिन का? चुन्नी चोकर खिलाते हैं। चुन्नी चोकर? हाँ, चुन्नी और चोकर, 2-3 किलो इस टाइम, 2-3 किलो इस टाइम जी। हाँ, खाने पीने में हर काम में कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं है जी। हाँ, तो इस बार इसको बता रहे थे आप तीसरे में हो जाएगी? जी, तीसरे में बच्चे देगी। बहुत बढ़िया। पहला वीडियो हम शूट किए थे तो उसमें क्या कोई ग्राहक आपसे मिले थे? हाँ, ग्राहक तो बहुत मिले थे, लेकिन मतलब कि अपना तालमेल बैठ नहीं पाया था। बैठ नहीं। हाँ, कच्चा दाम कहीं ना कहीं, दाम तो अभी भी मिल रहा है लेकिन जहाँ हम सोच रहे हैं वहाँ पे दाम नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर वहाँ तक मिल जाएगा मतलब कुछ कम बेसी भी होगा तो निकाल देंगे जी। कहीं ना कहीं एक भैंस के ऊपर काफ़ी खर्चे भी बैठते हैं, आप लोग समझ गए होंगे भैंस को देखते ही कि इसके ऊपर क्या खर्चे बैठे होंगे या बैठ रहा होगा, है ना। सबकी निकालने पर शक्ति नहीं होती है कि वो इस तरह की भैंस को रख पाए। जिसकी पूंजी की ताकत होगी और शौक की ताकत होगी वो लोग इस तरह की भैंस को। बल्ब जला दे, पंखा निकालना, पंखा चला दा, बोला हवा हवा रानी हवा, काफ़ी सुंदर हवा 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 हवा, फेर लिया होती हवा। थोड़ा सा एक बार बाहर निकलिए क्योंकि बहुत से लोगों की इच्छा आपको देखने को लगी है। ला बिट्टू, जब ये भैंस चल रही है तो इसकी रौनक अलग हो रही है। हमारे सहयोगी बिट्टू हैं, थोड़ा घुमाइए बिट्टू बाबू। मारे वाले थोड़े भाई भी है, हाथ बाबा फेर दबा एकदम शुद्ध बनना बोली। उम्र कई फर गई थोड़ो रखल भाई यहां, अरे बच्चा छोड़ ले तब कुछ ना हो क्या। बहुत बढ़िया, और भाई तो बनाई ऑर्डर के डोलना जी विपिन भैया जी। अपना मूल प्रयास रहता है कि जो किसान है, हाँ, जिनकी भैंस है भी कम, उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएं ताकि जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो मेला मंडी से परहेज करते होंगे
वो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, क्या बाबा? हाँ हाँ हाँ, सही बोले ना? सही 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 बात है। बहुत से लोग परहेज करते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम मेला मंडी की भैंस खरीदेंगे, तो उनके लिए देखिए ये भैंस सबसे सही। पूजी और इच्छा की जो ताकतवर लोग होंगे वो लोग यहाँ पे आकर के एक बार देख सकते हैं, काफी अच्छी भैंस है। तो बाबा देखिए आपसे प्रार्थना है कि अगर कोई भला व्यक्ति मिल जाए तो कहीं ना कहीं मान सम्मान हो जाएगा, दिखाइएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सुंदर। अगर आप लोग के पास भी अच्छी से अच्छी भैंस है तो जरूर हमसे संपर्क करें, हम आपके फार्म पे पहुंचेंगे और वहाँ की जो बिकाऊ मवेशी होंगी, जो भी होंगी, भैंस होगी, गाय होंगी, उन्हें हम जरूर दिखाएंगे। Yes.